अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज फारूक जावेद फ्रॉम जे एस एसोसिएट्स। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ लाहौर स्मार्ट सिटी के हवाले से कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं, बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हुई हैं। और जैसा कि हम आपको बताते रहे हैं पिछले वीडियोज में, व्लॉग्स में, कि लाहौर स्मार्ट सिटी में कुछ सरप्राइज आने वाला है, और सरप्राइज वो हो सकता है रमजान में भी आए, और वो ज्यादा चांसेस थे वैसे रमजान के, लेकिन रमजान के फौरन बाद जो है ना वो अनाउंसमेंट हुई है, अनाउंसमेंट गया है। और एक और अब बेहतरीन किस्म का मशवरा है मेरे जो है ना जितने भी लिसनर हैं, जो सब्सक्राइबर हैं और जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनके लिए, और उनको मैं आज इस वीडियो में एक ज़बरदस्त मशवरा भी दूंगा जो मेरे ख्याल में आने वाले दिनों में उनको बिग प्रॉफिट भी दे सकता है। तो वीडियो में जाने से पहले, अभी तक आपने अगर हमारा यूट्यूब चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि रियल स्टेट के हवाले से इन्फॉर्मेशन आपको वक्तन मिल सके। जैसा कि आपको मालूम है लाहौर स्मार्ट सिटी एक जो है ना, हम ज्यादातर जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, ज्यादातर जो हमारी एक्टिविटीज हैं वो तो इस्लामाबाद, पिंडी इस्लामाबाद में होती हैं। तो इन इस सिटीज के अलावा जो एक प्रोजेक्ट हम मखसूस जिसपे हम काम कर रहे हैं वो लाहौर स्मार्ट सिटी है। लाहौर स्मार्ट सिटी में वो रीजन ये है कि यहाँ पे जो डेवलपर हैं, जो प्रोजेक्ट डेवलप करने वाले हैं वो HRL वाले हैं, हबीब रफीक लिमिटेड है, उनका एक बहुत बड़ा नाम है और बड़ी जबरदस्त उन्होंने डेवलपमेंट की है, और उनके एक डेवलपमेंट की फील्ड में बहुत ज्यादा एक जबरदस्त नाम है। तो इस वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ पे बुकिंग्स भी करवाई हैं और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों का बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स भी है। तो इसीलिए जब भी यहाँ पे कोई अच्छी जो है ना न्यूज आती है रिलेटेड टू ऑडियंस या हमारे क्लाइंट्स हैं तो मैं जो है ना फौरी तौर पे इस प्लेटफॉर्म पे बता देता हूँ। तकरीबन दो दिन पहले जो स्मार्ट सिटीज जो HRL ग्रुप के जो बानी है, सॉरी जो अभी जो ओनर हैं, जो CEO हैं, उन्होंने अनाउंसमेंट की है कि लाहौर स्मार्ट सिटी में फाइनली जिस चीज का आप इंतजार कर रहे थे उसको जो है ना डिस्क्लोज किया जाता है और लाहौर स्मार्ट सिटी लॉन्च करने जा रही है विलाज और कमर्शियल्स प्रोजेक्ट, ठीक है। और आपको पता ही है कि जैसे कि कैपिटल स्मार्ट सिटी में इससे पहले इन्होंने काफी विलाज वगैरह लॉन्च किए हैं और वो आते साथ ही बहुत बड़े प्रॉफिट भी होते हैं और उनपे बहुत ज्यादा लोगों ने जो है ना वो प्रॉफिट भी हासिल भी किया हुआ है, क्योंकि इसकी मेन वजह ये है लोगों का जो है ना वो इंटरेस्ट लेने की जो मेन रीजन है जो मैं समझूं वो ये है कि डेवलपर ऐसा डेवलपर है HRL के, ये अगर फर्ज करें कि एक इनको अगर रोड भी नजर आती है ना कि यार थोड़ा सा इस पे इसकी जो है ना वो हालत खराब है, अगर थोड़ी सी भी मतलब 5% भी, तो ये पूरी रोड पाट के तो नई रोड जो है ना वो बना देते हैं, मतलब इतनी क्वालिटी भी ये बिल्कुल कंप्रोमाइज नहीं करते। तो इसी वजह से इनके जो कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं या विलाज हैं उनके हमेशा से मोस्ट वेटेड जो है ना वो एक चीज होती है। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह उसकी अनाउंसमेंट उन्होंने की है कि ईद के बाद इंशाल्लाह फौरन जो है ना वो हम इसकी लॉन्चिंग कर देंगे। एक चीज दूसरा जो है ना वो एक बहुत बड़ी डील आ रही है रेजिडेंशियल प्लॉट्स की भी, रेजिडेंशियल और उसके साथ उसके कमर्शियल भी होंगे। अब ये उन्होंने थोड़ा सा इसको डिस्क्लोज रखा है कि वो ओवरसीज की कोई एक्सटेंशन ब्लॉक होगा या एक्सटेंशन जो है ना उसकी होगी, नए रेट्स होंगे या एग्जेक्टिव में, या फिर हो सकता है कि कोई नया ही ब्लॉक हो प्राइम के नाम से या फिर कोई और चीज। तो ये उन्होंने सस्पेंस थोड़ा सा छोड़ा है। तो इसकी ये कि आपने जो फाइनली जिसका इंतजार था, जो चीज काफी दिनों से काफी हमारे ऑडियंस भी इसका वेट कर रहे थे, फाइनली उसको उन्होंने अनाउंस कर दिया, तो ये अच्छी न्यूज है। तो जो लोग, जो दोस्त हमारे इसमें बुकिंग करवाना चाहते हैं तो अभी हमें आपको कॉल करके तो कंफर्म कर सकते हैं बुकिंग्स, क्योंकि हम अभी अल्हम्दुलिल्लाह लिस्ट वगैरह बना रहे हैं और जो हमारे जो क्लाइंट्स हैं उनकी जो है ना जैसी जब हमारे पास बुकिंग्स आएंगी, आपको पता ही है कि स्मार्ट सिटीज में जैसी बुकिंग्स आती हैं स्पेशली फिर लाहौर स्मार्ट सिटी में, लाहौर स्मार्ट सिटी ने खुद को मनवाया मार्केट में कि इनकी रिक्वायरमेंट या इनकी जो डिमांड है वो काफी ज्यादा होती है। तो बाद में फिर बहुत सारे लोग हमसे नाराज भी होते हैं कि सर आपने हमें जो है ना वो बुकिंग्स नहीं दी और हमने आपको बताया भी था। तो इसका एक तरीकाकार है, आपने हमें रब्ता करना है, ठीक है, रब्ता करने के बाद फिर हम जो है ना आपकी लिस्ट में इंशाल्लाह नाम डाल देंगे, जैसी इंशाल्लाह लॉन्चिंग होगी जो रेट डेट्स आएगा बाकी जो तफसीलात आएंगी वो फिर हम आपको शेयर करेंगे और नेक्स्ट जो जितना भी फर्दर प्रोसेस होगा वो साथ साथ हम आपको बताते रहेंगे इंशाल्लाह। तो अच्छा, सेकंड ये तो एक अनाउंसमेंट थी जो कि मैंने आपको बता दी है और जो है ना बड़ी अच्छी अनाउंसमेंट है। दूसरा सेकंड जो है ना वो मैंने आपको जो इस वीडियो का जो सेकंड पार्ट है वो ये है कि अभी इससे हम बहुत बड़ा प्रॉफिट वो गेन कर सकते हैं। वो किस तरह गेन कर सकते हैं, वो इस तरह के नए रेट जब आएंगे वो आपको पता है लाजमी बात है कि वो काफी हाई रेट्स होंगे,
क्योंकि जिस तरह अभी इन्फ्लेशन रेट बढ़ चुका है, जिस तरह डॉलर का रेट ऊपर जा चुका है, तो प्लॉट्स के रेट भी मेरे ख्याल में काफ़ी वो कॉस्टली होंगे। तो अभी टाइम है, रमज़ान फैक्टर भी है, रमज़ान की वजह से भी तो आपको जो है ना वो रीसेल में जो प्लॉट्स हैं, ठीक है, दो तीन बुकिंग्स जो आई हैं लॉर्ड स्मार्ट सिटी की, उसमें कमर्शियल्स भी हैं, उसमें रेजिडेंशियल प्लॉट भी हैं, ओवरसीज में भी हैं और एग्जेक्टिव में भी हैं। तो इसमें आपको इस टाइम जो है ना वो आंखें बंद करके इन्वेस्टमेंट कर लेनी चाहिए। रीसेल में 20% स्टैंडर्ड फाइल्स जो हैं, सेलर फ्री फाइल्स हैं, क्लोज फाइल्स हैं, बैलेटेड फाइल्स हैं, अभी जो फर्स्ट बैलेटिंग हो रही है उस वाली फाइल्स हैं, एक्नॉलेजमेंट वाली है, इसमें आपको लाजमी इन्वेस्टमेंट कर लेनी चाहिए। क्योंकि जैसी ही जब डील आएगी, जैसी ही जो है ना बुकिंग्स आएगी, तो जो रीसेल वाली फाइल्स हैं, जो पुरानी फाइल्स हैं, उसकी रिक्वायरमेंट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। और यही हमने देखा है कैपिटल स्मार्ट सिटी में भी, और यही चीज़ हमने बाकी जो अच्छी सोसाइटीज हैं जिनके NOCs अप्रूव्ड है, जो अच्छे वेल रिप्यूटेड सोसाइटीज़ हैं, उनमें ये चीज़ हमने देखी है। तो इस चीज़ को आपको मिस नहीं करना चाहिए, आपको आपको टाइम पे फैसला कर लेना चाहिए। यही मतलब जो है ना, इससे पहले पहले आपको चीज़ों को क्लोज करना चाहिए। आपको 5 पल्ला कनाल, ज़्यादातर जो ट्रेडिंग आइटम है वो 5 पल्ला और कनाल की जो है ना वो ट्रेडिंग फाइल्स होती हैं, और इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और दूसरा ये कि रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। क्योंकि 5 पल्ला एक तो छोटा साइज होता है, एक मतलब जो लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास लोग हैं उसको पसंद करते हैं। सेकंड, जो थोड़ा सा अपर मिडिल क्लास होते हैं वो फिर कनाल पसंद करते हैं, वो कहते हैं यार कि एक ही बार अच्छा घर बनाओ। तो ये थोड़ा सा जो है ना इन दो कैटेगरीज में मैं आपको मशवरा दूंगा। बाकी तो सारी कैटेगरीज जैसा आपको पसंद भी बात होती है या जैसे उसमें फिजिबिलिटी होती है, तो उस हिसाब से वो डिसीजन लिया जाता है। तो ये ओवरऑल स्मार्ट सिटी, जो लाहौर स्मार्ट सिटी है, उसकी न्यूज़ है। और बाकी मजीद तफसीलात के लिए, मजीद डिटेल्स के लिए आप हमें कॉल करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह जो है ना मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जो है ना अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।